हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट वीडियो में हमने सैंडविच मॉडल देखा था जो कि डेफसन और डैनियली ने प्रपोज किया था। डेफसन और डैनियली का मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल काफ़ी कुछ सिमिलर है, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो पहले हम इस मॉडल को समझ लेते हैं, फिर इनके डिफरेंसेस को भी देखेंगे। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्ट सन ने 1959 में। इस मॉडल को हम ट्राइलेमिलर मॉडल या फिर रॉबर्टसन्स मॉडल भी बोलते हैं। रॉबर्टसन ने प्रपोज किया कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की एक बाय लेयर है जिस पर दोनों तरफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उनके अकॉर्डिंग जितने भी सेलुलर मेम्ब्रेन है, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं सेल में, जैसे गॉल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सभी की सेलुलर मेम्ब्रेन सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में और फंक्शन में भी। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन होती है जो लाइन करती है लिपिड बायलेयर को, वो होती है फाइब्रस और फॉस्फोलिपिड होते हैं एम्फीपैथिक। तो एम्फीपैथिक को समझने के लिए हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, जिसमें ऊपर की तरफ जो ये आपको राउंड सा दिख रहा है ये है इसका हेड, और नीचे की तरफ जो आपको टेल दिख रही है ये कहलाती है फॉस्फोलिपिड टेल। ऊपर की तरफ जो हेड होता है वो बना होता है ग्लिसरॉल की बैकबोन पे, जिसमें एक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। नीचे की जो टेल होती है वो बनी होती है फैटी एसिड से। तो हेड पार्ट जो होता है ये पोलर होता है नेचर में और हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब है लविंग। तो ये रीजन जो होता है फॉस्फोलिपिड में ये होता है वाटर लविंग, जबकि जो टेल पार्ट होती है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। हाइड्रो का मतलब अगेन वाटर और फोबिक मतलब वाटर से डरने वाला, तो वाटर फियरिंग ये टेल होती है। तो यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर इस फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट है, इसीलिए फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स को हम एम्फीपैथिक इन नेचर कहते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक रीजन भी और हाइड्रोफिलिक रीजन भी, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड है वो एम्फीपैथिक इन नेचर है। तो ये था स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का। अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो अगर इनके अरेंजमेंट को देखें तो फॉस्फोलिपिड की जो दो लेयर प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो इस तरह अरेंज होती हैं कि उनकी टेल एक दूसरे को फेस करती है, जैसा आप यहाँ देख रहे हो, और उसके ऊपर दोनों तरफ एक प्रोटीन की लेयर आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। तो ये दोनों मैंने अलग कलर में इसीलिए दिखाई है प्रोटीन की लेयर, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। दोनों फाइब्रस प्रोटीन है, लेकिन फिर भी इनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होते हैं, जैसा रॉबर्टसन ने अपने मॉडल में प्रपोज किया था। तो दोनों फॉस्फोलिपिड की लेयर एक दूसरे को टेल फेस करते हुए अरेंज होती है, और दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर होती है। प्रोटीन है फाइब्रस, इसीलिए हम इस तरह शो कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जब हमने डेफसन और डैनियली का मॉडल देखा था तो वहाँ ग्लोबुलर प्रोटीन थी और हमने कुछ सर्कल की शेप में इस तरह से शो किया था। तो अब इस स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें कुछ इस तरह दिखाई देगी। ये है सेल का एक्सटीरियर, जहाँ पर ये प्रोटीन की आपको लेयर दिखाई दे रही होगी। दोनों फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है वो एक दूसरे का टेल फेस किए हुए हैं, और यहाँ पर आपको अगेन एक प्रोटीन की लेयर दिखाई दे रही है, ये है साइटोसोल। प्रोटीन की दोनों फाइब्रस लेयर अलग कलर से शो की हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है। ये फाइब्रस प्रोटीन है, लेकिन ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन मॉडल। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बना? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। तो रॉबर्टसन ने इनकी थिकनेस भी बताई थी, जो कि प्रोटीन की एक लेयर होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, फॉस्फोलिपिड की दोनों लेयर्स की थिकनेस होती है 35 एंगस्ट्रॉम, और अगेन प्रोटीन की जो थिकनेस होती है वो फिर 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो टोटल जो थिकनेस आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम 7.5 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। तो रॉबर्टसन के मॉडल के अकॉर्डिंग दोनों तरफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि 20 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, और बीच में जो दो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती हैं वो 35 एंगस्ट्रॉम थिक होती हैं। टोटल मिला के इस मेम्ब्रेन की थिकनेस आती है 75 एंगस्ट्रॉम या 7.5 नैनोमीटर।
तो यहाँ हमने रॉबर्टसन के मॉडल को समझा और लास्ट वीडियो में हमने डेवसन और डेनियली का मॉडल देखा था। तो अब देखते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों मॉडल्स में। तो यहाँ पर जो आप टेबल देख रहे हो, एक तरफ इसमें सैंडविच मॉडल है और दूसरी तरफ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो अगर सैंडविच मॉडल में प्रोटीन्स की बात करें तो वहाँ प्रोटीन हमने ग्लोबुलर देखी थी, दोनों तरफ जो लाइनिंग प्रोटीन होती है वो ग्लोबुलर होती हैं, जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में यहाँ प्रोटीन फाइब्रस होती हैं। दोनों तरफ की प्रोटीन सेम इन स्ट्रक्चर थी सैंडविच मॉडल में, जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में प्रोटीन डिफरेंट होती हैं स्ट्रक्चर में। हैं दोनों फाइब्रस ही, लेकिन स्ट्रक्चरली कुछ डिफरेंस बताया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में रॉबर्टसन ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जितने भी सेल में ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं उनकी मेम्ब्रेन सेम होती है, ऐसा रॉबर्टसन के मॉडल में बताया गया था, जबकि सैंडविच मॉडल में इस बारे में हमें कोई डिटेल नहीं मिलती। सैंडविच मॉडल में थिकनेस थी 8 नैनोमीटर, जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में रॉबर्टसन ने जो सजेस्ट की थी वो थी थिकनेस 7.5 नैनोमीटर। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये मॉडल भी क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ। सैंडविच मॉडल भी एक एक्सेप्टेड मॉडल नहीं था और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी एक्सेप्टेड मॉडल नहीं है। तो अगर लिमिटेशंस की बात करें तो रॉबर्टसन का ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक रिजेक्टेड मॉडल इसीलिए बना क्योंकि वो इसकी सेलेक्टिव परमेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि फैट सॉल्युबल सब्सटेंस और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो उन्होंने मॉडल दिया था कैसे एंटर करेंगे, इसी वजह से ये मॉडल एक्सेप्टेड मॉडल नहीं कहलाता। तो यहाँ हमने समझा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को। तो नेक्स्ट वीडियो से हम समझेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में और सिंगर और निकल्सन का मॉडल भी देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा रॉबर्टसन का मॉडल। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।